आदित्य को जानती हूं ना, आदित्य मुझको, आदित्य कह रहा है कि मैं रिया को नहीं जानता हूं। इसका प्रूफ बिहार पुलिस ने भी बता दिया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राहुल चौहान ने बता दिया, 44 कॉल्स एक्सचेंज हुए हैं रिया के और आदित्य के बीच में। ये लीजिए भाई साहब, अभी और एक एविडेंस आप सभी लोगों के सामने आ चुका है, जिसके तहत महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे का बेटा आदित्य ठाकरे और रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के केस में पूरे तरीके से इन्वॉल्व है। सिर्फ हत्या में ही नहीं बल्कि हत्या की प्लानिंग करने में भी इन दोनों का पूरा पूरा हाथ है। ये चीज अभी बड़े अच्छे से स्टैब्लिश हो चुकी है, क्योंकि दिशा सालियान के कांड के बाद से लेकर सुशांत सिंह राजपूत की हत्या वाले दिन तक इन दोनों के ही बीच में, यानी कि रिया चक्रवर्ती और आदित्य ठाकरे के बीच में 44 टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है, 44 फोन कॉल्स। भाई साहब, अब तक तो ये सारी खबरें महज अफवाहों के ही रूप में मार्केट में इधर उधर उड़ाई जा रही थी, जिनको सुनकर कई लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि इस पर यकीन करा जाए या नहीं। पर अब चूंकि इसके पुख्ता सबूत हाथ लग चुके हैं, तो इस खबर पर पूरे तरीके से यकीन करा जा सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान के कांड में सिर्फ और सिर्फ दाल में कुछ काला नहीं था, बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली थी। क्योंकि रिया चक्रवर्ती की जो व्हाट्सएप चैट्स निकलकर सामने आई है, उसके मुताबिक इसका रिश्ता आदित्य ठाकरे के साथ भाई साहब बड़ा पुराना है, और ये दोनों लोग दबा कर एक दूसरे के साथ व्हाट्सएप के जरिए चैट किया करते थे, और उन सभी चैट्स को रिट्रीव करके अभी सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया है। अब अगर आप लोगों को इस बात पर भरोसा ना हो रहा हो, तो आप सभी लोग सबसे पहले तो इस वीडियो को देखिए। आदित्य के और रिया के जो एविडेंसेस है, वो कई साल, मतलब ये घटना घटने के कई महीने पहले से, साल भर पहले से वो एक दूसरे के टच में है। मतलब वो एक दूसरे के, इसके प्रॉपर्टी का मैटर है, जगह खाली कराने का, उधर आदित्य भाई उसको मदद कर रहे हैं, तो ये सारे प्रूफ्स है। तो ये अभी इनका सारा झूठ ये उजागर हो गया है। अब कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के सामने भी यह पिक्चर बड़े अच्छे से क्लियर हो रही होगी कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में आखिरकार असल मास्टरमाइंड कौन कौन थे और कौन सिर्फ और सिर्फ प्यादे थे। क्योंकि अगर एविडेंसेस की मानी जाए तो ये डीनो मोरिया, आदित्य ठाकरे और सूरज पंचोली, यही तीनों असल मास्टरमाइंड अब तक नजर आ रहे हैं, जिनको मुंबई पुलिस के तरफ से और कूपर हॉस्पिटल के तरफ से भी इस तरीके का कवर प्रोवाइड करा गया था, ऐसा सपोर्ट दिया गया था कि इन तीनों के नाम सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान के केस में दूर दूर तक ना आ सके। और जहां तक बात है ये रिया चक्रवर्ती और सुशांत के चार फ्लैटमेट्स की, तो भाई साहब इन लोगों की तो उतनी औकात ही नहीं थी कि ये सुशांत सिंह राजपूत जैसे एक्टर कम एथलीट ज्यादा का कुछ बाल भी बाका कर पाते। फिर तो भाई साहब कूपर हॉस्पिटल की मैनेजमेंट और मुंबई पुलिस को मैनेज कर पाना, ये तो इनकी बस की थी ही नहीं। मेरी नजरों में ये लोग प्यादे से ज्यादा और कुछ भी नहीं है, क्योंकि पीएम रिपोर्ट्स में छेड़छाड़ करवा देना, पूरे शरीर पर जिस हिसाब की चोटें लगी हुई थी उनका जिक्र किसी भी रिपोर्ट में ना आ पाना, ये सब कर पाना, मेरे हिसाब से इन लोगों की बस की बात नहीं है, ना तब थी और ना ही आज की डेट में है। और साथ ही साथ इन दोनों ही केसेस को आज 3 साल बीत जाने के बाद भी आप लोगों ने अब तक जिस तरीके का प्रेशर बनाकर रखा हुआ है, ये उसका ही नतीजा है कि आदित्य ठाकरे आज की डेट में देश छोड़कर भागने की सोच रहा है। ये रिया चक्रवर्ती पब्लिक सपोर्ट गैदर करने के लिए आज तक जैसे न्यूज चैनल्स में जाकर ढेरों शोज कर रही है, पर ये लोग चाहे जितना भी कर ले, जितने भी पाखंड आजमा ले, कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि तीन चीजें ज्यादा देर तक छुपी हुई नहीं रह सकती, सूरज चांद और सच्चाई। कोहरा चाहे कितना भी गहरा हो, बादल चाहे कितने भी काले हो, पर सूरज की रोशनी आखिरकार उनको चीर ही डालती है। बिल्कुल वैसे ही इन दोनों ही केसेस की सच्चाई आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, पर बाहर आएगी जरूर।